सोलन में व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही थी, जिसकी वजह से माहौल काफी बिगड़ चुका था, जिसका असर त्योहारों के समय पर व्यवसाय पर भी पड़ रहा था। सोलन का व्यापारी भी इस विवाद के कारण काफी परेशान नजर आ रहा था, जिसके चलते इस गतिरोध को शांत करने के लिए सोलन के कुछ कारोबारी उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिले। उन्होंने जिला प्रशासन को ये आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर पर इस गतिरोध को खत्म करने का प्रयास करेंगे। वहीं उपायुक्त सोलन ने भी व्यापारियों को ये आश्वासन दिया कि व्यापारियों को अगर किसी भी तरह की प्रशासन से मदद चाहिए होगी तो वे दिन रात व्यापारियों के साथ खड़े हैं, और वे भी चाहते हैं कि जो सोलन की छवि हिमाचल में धूमिल हुई है वे ठीक हो सके। सोलन के व्यापारियों मनोज सहनी, विनय शर्मा, मनीष सहनी, सुनील सेठी, सुरेश शर्मा, महेंद्र वर्मा ने कहा कि जो विवाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच में चल रहा था वे अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अभी सभी व्यापारियों ने ये फैसला किया है कि सोलन की गिरती छवि को उठाने के लिए सभी व्यापारी एकजुट होकर कार्य करेंगे और सभी व्यापारियों को उनके द्वारा अतिक्रमण न करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके लिए वे आने वाले समय में कल से एक विशेष अभियान आरंभ करेंगे, जिसमें वे बाजार में जाकर सभी व्यापारियों से सहयोग मांगेंगे और उन्हें आग्रह करेंगे कि वे किसी भी तरह से अतिक्रमण न करें और जिला प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि उपायुक्त सोलन केसी चमन ने भी उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया है कि वे उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और जो भी व्यापारियों को दिक्कत परेशानी आ रही है उसे वे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन त्योहारों के इस सीजन में व्यापारी को किसी भी तरह से तंग करने वाले नहीं है, बल्कि वे व्यापारियों को सहयोग चाहते हैं, जिसके लिए सभी व्यापारी भी जिला प्रशासन का सहयोग देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उपायुक्त सोलन ने उन्हें ये भी आश्वासन दिया है कि अगर सोलन के व्यापारी अतिक्रमण नहीं करेंगे तो वे दमकल विभाग द्वारा की जा रही मॉकड्रिल को भी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सभी व्यापारियों के सहयोग की आवश्यकता है। सभी व्यापारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सोलन की गिरती छवि को उठाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज डीसी साहब से हमारी खास मुलाकात इस विषय में हुई कि जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे थे सोलन माल रोड पे और अपर बाजार अनले बाजार में सामान लगाने के लिए काफ़ी टूटू मैं हुई, चाहे वो अफसर हो, चाहे दुकानदार या अपने कमेटी वाले ईओ साहब वगैरह आते थे। तो आज काफ़ी अच्छा हमें हमारे को डीसी साहब ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे उन्होंने हमारे को चीज़ें समझाई कि जो त्यौहार आ रहे हैं त्यौहार तक आप थोड़ा बहुत सामान लगाएं, ज़्यादा मत लगाएं, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और कोई भी किसी चीज़ की अगर आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमारे से कंसर्न करें, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। आप हम कल एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, कुछ दुकानदार सारे जितने भी आपके सामने आए हुए हैं तो हम सभी दुकानदारों के पास कल जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे भी थोड़ा बहुत जो सामान आप लगा रहे हैं इसको बाहर रखा है, इसको थोड़ा अंदर करें, क्योंकि डीसी साहब भी खुद बोल रहे हैं कि आप अंदर रखें और फेस्टिवल है, और अगर थोड़ा बहुत लगा भी लेते हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना मत लगाएं कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो और मेरे तक कोई शिकायत आए, मतलब डीसी साहब के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डीसी साहब ने बड़े बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बात हुई है और उन्होंने हमारे को हर संभव सपोर्ट करने की प्लेज किया है। उन्होंने ये हमें बोला है कि अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए, और साथ के साथ हमने प्रशासन से ये 15 दिन की मोहलत भी मांगी है कि ये फेस्टिवल सीज़न है, व्यापारी लोग आराम से व्यापार कर सकें, और हाँ हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम हर व्यापारी के पास जाके स्वयं हाथ जोड़ेंगे कि आप अपना सामान थोड़े हिसाब से लगाएं, ताकि आने जाने में जितना ज़्यादा वो अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा ग्राहक आएगा, जितना ज़्यादा ग्राहक आएगा उतनी ज़्यादा बाजार में रौनक होगी, उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, उतनी ही सरकार को उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। सब लोगों ने मिलकर आज डीसी साहब से बात की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आज जो सारा ग्लट था, जो सारी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस व्यापारी भरी थी, वो आज बातें ख़त्म हो गई है, और हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सहयोग देने की बात करी है और हमारा भी ये फ़र्ज बनता है, और हम सब लोग मिलकर ये बात आपसे सही रूप से कहते हैं कि हम 100% आपको एक स्वच्छ और सुंदर मार्केट बना के दिखाएं। दो चार लोगों की आपस की कोई है बात उसके पीछे मतलब कि बाकी दुकानदार सफ़र करें कोई अच्छी बात नहीं है, तो आपस में निपटाया जाएगा जल्दी ही, तो ऐसा भी कोई इतना ऐसा कोई बड़ा मुद्दा तो है नहीं है, तो सबकी सब लोग सहयोग दे रहे हैं इसमें, सब व्यापार मंडल एकजुट काम कर रहा है सारा। ठीक कह रहे हैं, कुछ व्यापारी वर्ग में भी कुछ जरूरत से ज़्यादा सामान सड़क पर लगा रखा है, तो हम लोगों ने डीसी साहब से ये बात की कि हम
एमिकेबली इस बात को सेटल करेंगे कि व्यापारी खुद अपने आप सामान अंदर कर दें, ताकि फायर टेंडर्स को लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो भी जाए तो अंदर एम्बुलेंस और फायर वगैरह इजीली आ जा सके। तो काफ़ी अच्छी आज वार्तालाप रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। साहब ने ये आश्वासन दिया कि आप अगर ये बाजार अपने आप ही अंदर सामान अंदर रख देते तो हम मॉक ड्रिल करानी बंद करा देंगे। और डीसी साहब ने ये भी कहा कि कोई भी इनकेस कोई एमरजेंसी हो तो मेरा नंबर 24 आवर्स आप कभी भी मोबाइल पर आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा डीसी साहब का, थैंक यू वेरी मच। पहले तो हम सर्वप्रथम डीसी महोदय की उदारता का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत उदारता दिखाई व्यापारी भाइयों के प्रति। तो अब ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भी अपनी तरफ से जो उनसे हमने आज कमिटमेंट्स की हैं उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करें, और कल हम एक मूव चलाएंगे सारे व्यापारी भाई कि जिनका भी सामान अपने शटर से बाहर है वो खुद ही उसको अपने शटर से अंदर करें। तो ये मुहिम कब से शुरू? ये कल 10:30-11 बजे से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुहिम को हम 2-3 दिन कंटिन्यूसली करें। व्यापारियों के साथ हुई इस बैठक से ये क्यास लगाया जा रहा है कि जो गतिरोध सोलन के व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच कुछ समय से चल रहा था वे अब इस बैठक के बाद खत्म हो चुका है और व्यापारी भी इस बैठक से खुश नजर आ रहे हैं।